इस सीमेंट गोदाम को हटाने की मांग को लेकर एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के सदस्यों ने धरना दिया। वहीं संस्था के लोगों ने बताया कि यह गोदाम झारखंड सरकार और बीसीसीएल के जमीन पर अवैध रूप से बनी है। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजलाल सिंह, शशि सिंह, शक्ति चौरसिया सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार के अधीन बीसीसीएल के प्लॉटों पे उसे अविलंब अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसको जेसीबी चले और उसको तोड़ के हटाया जाए। दूसरी मांगे हम लोगों का है कि इस रोड से जो भारी वाहनों का आवागमन होता है उसको बाधित किया जाए, उसको बंद किया जाए, क्योंकि इन लोगों का रूट है नहीं आने जाने का। तमाम गाड़ियां ओवरलोड होकर आती है सड़कों पर। अगर आपकी मांगे पूरे नहीं होती है जी, सरकार पहल नहीं करती है जी, आपको जो धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन अभी हम लोग कानूनी रूप से कर रहे हैं, ये चलते रहेगा। इसके बाद जरूरत पड़ा तो अनशन भी करेंगे और एक दो दिन में अगर हमारी मांगे